Assalamu alaikum, class 3A, Nazra, worksheet 3A, unit number 5, measurement, unit number 4, jo hai hamara money ka complete hai, ab unit number 5 karenge measurement, book work exercise 5A, unit number 5 ka exercise 5A, book work aapka hai question number 7, 143 page number, 5A, exercise 5B, book work 146, question number 4, पेज नंबर 146 147 में क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10 करना है, ठीक है। इंशाल्लाह इसकी भी वीडियो आपको मैं शेयर करूँगी कि आपको किस तरह सॉल्व करना है। अच्छा, कॉपी वर्क में आपके पास पेज नंबर 143 में आप देखेंगे एक्सरसाइज 5 आपको मिलेगी, उसमें आपके अंदर है उसके पास राइट दिस लेंथ इन किलोमीटर एंड मीटर। यहाँ हम चैप्टर की मीनिंग समझ लेते हैं मेजरमेंट, ठीक है। मेजरमेंट का लफ्ज़ सुन के आपको क्या आता है कि किसी ऐसी लेंथ को, किसी की ब्रेथ को, किलोमीटर को, मीटर को हमने क्या मेजर करना है, ठीक है। मेजरमेंट मेजर में एक लाइन। अच्छा, ये बात याद रखिएगा 100 सेंटीमीटर जो है वो 1 मीटर के बराबर होता है और 1 किलोमीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। यहाँ हमने क्या बोला है कि आपने जो है इनकी लेंथ, इनकी किलोमीटर और लेंथ मालूम है, किलोमीटर और मीटर अलग करना है। 3528 मीटर है, तो हम क्या करेंगे, हम 3 के पास ब्रेक कर देंगे, 3 के पास जो नंबर है वो ब्रेक करके इसमें किलोमीटर लगा देंगे और उसके बाद एडजस्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मैंने ये 4 सॉल्व करके दिए हैं, डू एफ जी एच एन आई आपको खुद करना है, ठीक है। अच्छा, सी समझा देते, 6401 आपने सब बताया 3 के बाद आपने जो है पहले नंबर के बाद आपने उस टर्म को ब्रेक करना है, किलोमीटर लगाना है और आगे मीटर वैसे ही लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्वर्ट दिस लेंथ इनटू मीटर। अच्छा, इसके बाद क्या है, जिस तरह हमें ये क्वेश्चन था, ठीक है, हमने ये बनाया है, इसी तरह हमारे पास इसका अब कन्वर्ट करना है, ठीक है। जहाँ किलोमीटर था वहाँ किलोमीटर रिमूव करके वैसे ही नंबर लिख लेना है। जैसे यहाँ पर देखेंगे आप 3 किलोमीटर 591 मीटर लिखा हुआ है, तो मेरे किलोमीटर को रिमूव करके 3591 और मीटर लिख दिया है, ठीक है। बी सी डी ई एफ मैंने सॉल्व करके दिए, इसमें से आपको खुद कुछ नहीं करना है। कॉपी वर्क आपकी एक्सरसाइज 5 है कंप्लीट हो गई है, 5 भी आपकी है पेज नंबर 146 में। राइट दिस मेजरमेंट्स वर्टिकली देन ऐड, ठीक है। हमने क्या करना है, 5 मीटर, 16 सेंटीमीटर, 18 मीटर और 26 सेंटीमीटर को वर्टिकली लिख के ऐड करना है। क्या क्या मैंने मीटर एक तरफ लिख दिए और सेंटीमीटर्स एक तरफ लिख के इनको ऐड किया, 6 और 6 12 होते हैं, 2 इधर 1 कैरी ऊपर, 1 प्लस 1 2 3 और 4, 8 प्लस 5 13 होते, 3 इधर 1 कैरी ऊपर, 1 और 1 2। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, आप प्लस करेंगे, माइनस करेंगे या मल्टीप्लाई, हमेशा राइट हैंड साइड से आप मल्टीप्लिकेशन या सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, कभी भी पहले यहाँ से नहीं करते, हमेशा यहाँ से करते हैं, सीधे हाथ से लेकर अपने उल्टे हाथ की तरफ जाते हैं, कभी भी लेफ्ट हैंड से हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई की सॉल्यूशन स्टार्ट नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही, वो मैंने सॉल्व करके दिया है, सी और डी आपको खुद करना है। इसे मीटर आप हेडिंग लगा के और सेंटीमीटर लगा के अलग कर लेने हैं और फिर जो नंबर है उसको उसी सेंटी जैसे सेंटीमीटर में है तो आपने सेंटीमीटर में ही लिखना है और फिर उसको वर्टिकली एक नंबर उठा के ऐड करना है। इसके बाद आपका पेज नंबर 147 है, राइट वर्टिकली एंड सबट्रैक्ट, जहाँ हमने प्लस किया था, ठीक है, यहाँ हम माइनस करेंगे, ठीक है। मीटर मैंने अलग सेंटीमीटर अलग कर दी और जैसे मीटर क्या है 5 और यहाँ मीटर क्या है 2, यहाँ 30 है और यहाँ 90 है। अच्छा, 0 में से 0 का तो ऑब्वियसली बात है 0 ही बचेंगे, 3 में से 9 नहीं जा सकते, तो आप 9 में से 3 नहीं कैंसिल करेंगे, ठीक है। 3 में से अगर 9 नहीं जा रहे, हमें ऊपर बड़ा नंबर चाहिए, अगर ऊपर बड़ा नंबर नहीं है तो हमने बराबर वाले से कैरी लेनी है। 3 था 1 कैरी देते, ये 4 हो गया और ये 13 हो गया, 13 में से 9 गए 4 बचे, 4 में से 2 गए 2 बचे, ठीक है, 2 4 0 हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमें मैंने बी भी आपको सॉल्व करके दिया है, इसमें सी और डी खुद करने हैं। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 142 वर्ड प्रॉब्लम्स है। सना हैज़ 2 पीसेज ऑफ क्लोथ, 1 पीसेज इज 80 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड अदर इज 3 मीटर 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, वट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द पीसेस, ठीक है। इन्हें बोला सना के पास 2 पीसेज कपड़े के, एक पीस जो है वो 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है और दूसरा जो है 3 मीटर 40 सेंटीमीटर लॉन्ग है,
तो हमने क्या करना है, पहले डेटा बनाना है जो हमारे पास गिवन होगा। वन पीस की लेंथ क्या है, 8 सेंटीमीटर, दूसरी की कितनी लेंथ है, 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ हमें नहीं पता, तो हमने क्या करना है, मीटर और टोटल बोला है, तो हम क्या करेंगे, मैं ऐड कर दी तो बन जाएगा इन दोनों को मिला के कितनी लेंथ है टोटल हमारे कपड़े की। मीटर हमने एक दफ़ा लिख दिया, सेंटीमीटर एक तरफ लिख दिया। फिर आपने क्या करना है, जैसे आप नोट करेंगे तो 80 का कोई भी मीटर नहीं है, सेंटीमीटर है, तो जहाँ सेंटीमीटर नहीं होगा हम ज़ीरो सपोज करेंगे, और जहाँ होगा वहाँ पर हम वैसे जिस नंबर लिख देंगे। 0 0 8 0 0 0 होते हैं, 8 और 4 प्लस 8 4 8 प्लस 4 12 होते हैं, 2 इधर 1 कैरी ऊपर, 3 प्लस 1 4 होते हैं, और 0 का 0 वैसे ही। टोटल लेंथ कितनी हुई, 4 मीटर 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह है, आपने खुद ऐड करना है। ठीक है, थैंक यू।